मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टडी विद देवली माँ का स्वागत है। आज के वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे रिश्ते संबंधी प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन। इसमें जो रीजनिंग में क्वेश्चन बनते हैं उस पर हम बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें ध्यान रखना फ्रेंड्स, आप इसमें दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इसमें आप ध्यान देना। इसमें दो प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, दो टाइप के होते हैं, वो रिलेशन वाले ही प्रश्न हैं, वैसे अलग प्रश्न नहीं है, लेकिन दो तरह के प्रश्न पूछते हैं। जैसे मैं आपको प्रश्न से बताता हूँ, टाइप वन के अंतर्गत सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिए। जैसे कैसे प्रश्न, और प्रश्न से पहले आप समझिए एक चीज़ में ध्यान रखिए, बड़े रिश्ते को ऊपर रखिए, छोटे रिश्तों को नीचे रखिए, और जो बराबर के रिश्ते हैं उनको आप एक साथ बराबर में रखिए। इसको आप ध्यान देंगे, इन प्रश्न को आप डायग्राम से कीजिए और थोड़ा समझ कर इसको कीजिए आप, तो प्रश्न गलत नहीं होंगे। जो इसमें ध्यान देने वाली बातें हैं, और इसमें दूसरी चीज़ ये ध्यान देनी है कि किसका संबंध किससे पूछ रहा है। अर्थात अगर कोई प्रश्न में पूछेगा कि ए बी से किस प्रकार संबंधित है, बी से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका उत्तर अलग होगा, और लिखा रहेगा बी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका उत्तर अलग होगा। अर्थात बी का ए से जो संबंध होगा वो जरूरी नहीं कि ए का बी से हो, आप समझ गए होंगे। तो इसमें ये ध्यान देंगे आप कि किसका संबंध किससे पूछा जा रहा है, और बाकी चीज़ आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन सरल होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम एक एग्जाम्पल इसका लेते हैं। इसमें आप स्मरणीय तथ्य आप याद रखेंगे कि हमें प्रश्न को ठीक से पढ़ना है, तो एक प्रश्न इसका ले लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स एक प्रश्न मैंने लिखा है कि आर क्यू की पुत्री है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिखा है कि आर क्यू की पुत्री है, एम बी की बहन है, जो क्यू का पुत्र है। तो एम का आर से संबंध पूछ रहा है, यहाँ पर ध्यान देंगे आप, एम का आर से संबंध पूछा गया, ना कि आर का एम से। और आप यहाँ पर मैंने ध्यान आपको बोला था कि जो बड़े रिश्ते हैं उसको ऊपर रखिए, छोटे रिश्ते को नीचे रखिए, बराबर के बराबर में रखिए, और जो जैसे कहीं पर जो जिसका जो आएगा इसको डिसाइड आप कीजिए कि ये जो किसके लिए है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे अभी कि जो किसके लिए प्रयोग किया गया है, कि जो क्यों का पुत्र है, इनमें से कौन होगा, आप ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आप इसमें कुछ चीज़ों को समझिए। जैसे देवता नाती को कहते हैं और देवती नातिन को कहते हैं। फ्रेंड्स ये नाती नातिन के दो अलग नाम हैं, देवता और देवती। कभी कभार इन नामों को ही एग्जाम्पल देगा तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे शो करें, इसको हम डायग्राम से करते हैं। तो देखिए आर क्यू की पुत्री है, तो फ्रेंड्स पुत्री है आर किसकी, क्यू की, तो क्यू ऊपर रहेगा और आर क्यू की पुत्री है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो यहाँ पर मैंने साइन लगाया है, जो तीर का नुकीला सिरा है, ये आर की तरफ रहेगा, क्योंकि आर क्यू की पुत्री है। तो पुत्री आप इसमें छोटे उसमें लिख सकते हैं समझने के लिए, और क्यू यहाँ पर माता भी हो सकती है, पिता भी हो सकती है, अभी डिसाइड नहीं है। एम बी की बहन है, ध्यान रखना फ्रेंड्स, एम जो है वो बी की बहन है। इसको बहन भाई बहन बराबर के रिश्ते होते हैं फ्रेंड्स, भाई बहन और पति पत्नी को आप बराबर रखिए, भाई बहन पति पत्नी को बराबर रखिए। एम बी की बहन है, तो एम यहाँ पर रख दीजिए फ्रेंड्स, एम जो है वो बी की बहन है, बी की बहन एम है, बहन है तो ये स्त्री होगी, और ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, ये लड़की है। और यहाँ पर आप डिसाइड ना कर लेंगे कि कौन लड़का है और कौन लड़की है, इस बात को आप प्रश्न में जरूर डिसाइड करेंगे ताकि एग्जाम में ये आपको कन्फ्यूज ना करें। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पूछा गया है, M जो है B की तो बहन है, लेकिन जो Q का पुत्र है। अब देखिए फ्रेंड्स, M यहाँ पर जब बहन है तो ये पुत्र नहीं हो सकता है, क्योंकि तो लड़की है। तो अर्थात ये जो यहाँ पर B के लिए प्रयोग किया गया है, आप इसको ध्यान देंगे कि M B की तो बहन है, अर्थात ये लड़की है, जो Q का पुत्र है। अब Q का पुत्र फ्रेंड्स यहाँ पर M तो हो नहीं सकता है, अर्थात B यहाँ पर Q का पुत्र होगा, तो B जो है वो किसका पुत्र होगा, Q का पुत्र। अर्थात इसको थोड़ा इस डायग्राम को नीचे ले आएंगे, M यहाँ पर बहन थी किसकी, M बहन थी B की, इसको मैं नीचे लिख दिया थोड़ा, जो क्यू का पुत्र है, क्यू का पुत्र फ्रेंड्स ये बी है यहाँ पर, तो क्यू का पुत्र, ये देखिए फ्रेंड्स क्यू का पुत्र है ये, और क्यू की पुत्री ये है, अर्थात ये दोनों भाई बहन हैं, अर्थात ये तीनों भाई बहन हैं, अर्थात ये आर एम और बी भाई बहन है, क्योंकि जब क्यू की पुत्री आर है और क्यू का पुत्र बी है, तो बी और आर यहाँ पर भाई बहन हुए, और बी की बहन यहाँ पर एम है, बी की बहन एम है, तो आर की भी बहनी हुई, क्योंकि तीनों भाई बहन है। अब यहां पर M का R से संबंध पूछ रहा है, तो M R की बहन है, M R की बहन है, और R भी M की बहन है, तो आपस में बहन बहन है, तो और लेते हैं।
कि एक फोटो की ओर इशारा करते हुए, इसमें इशारे करने वाले प्रश्न भी फोटो की तरफ आ जाते हैं कि इसने इससे कहा, तो इसमें ध्यान देना किसने किससे कहा है और किसके बारे में कहा है। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए विनोद ने कहा, विनोद ने कहा है, यहाँ पर आप विनोद लिखिए और यहाँ पर एक फोटो होगी, यहाँ पर इस फोटो की तरफ इशारा विनोद कर रहे हैं कि विनोद ने इस फोटो की तरफ कहा कि वह मेरी, अर्थात किसी और को कह रहे हैं इसे कि वह मेरी, यह है मेरी पत्नी की, वह मेरी पत्नी की, मेरी पत्नी की। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, इसको यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए मेरी, यहाँ पर विनोद स्वयं के लिए कह रहे हैं कि वह मेरी पत्नी, वह मेरी पत्नी, विनोद की पत्नी अगर मैं यहाँ पर मानूँ, विनोद की पत्नी यहाँ पर मानते हैं, वह मेरी पत्नी की माता, पत्नी की माता फ्रेंड्स ऊपर भी, तो आपको पता होना चाहिए कि पत्नी की माता सास हुई, अर्थात ये अपनी सास की बात कर रहे हैं, पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री, इस माता की एकमात्र पुत्री स्वयं ये विनोद की पत्नी होगी। आप देखिए स्वयं विनोद की पत्नी होगी, विनोद वह मेरी पत्नी, अपनी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री, वो अपनी पत्नी की बात कर रहे हैं, एकमात्र पुत्री यही होगी, अगर और पुत्री होती तो हो सकती है उसकी बहन होती इस पत्नी की, लेकिन ये स्वयं अपनी बात, यहाँ पर विनोद अपनी पत्नी की बात कर रहे हैं, पत्नी की एकमात्र पुत्री की पुत्री है, अर्थात इस पत्नी की पुत्री, तो स्वयं विनोद की पत्नी की पुत्री है फ्रेंड्स, तो विनोद की पत्नी की पुत्री विनोद की पुत्री हुई। तो फ्रेंड्स विनोद की जो पुत्री है वो उसकी पत्नी की पुत्री हुई। और जो ये तस्वीर में फोटो है फ्रेंड्स, ध्यान देना यहाँ पर पूछा गया है विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है, तो विनोद का फोटो वाली लड़की से जो संबंध होगा फ्रेंड्स, आप बताइए क्या संबंध होगा, तो विनोद का फोटो वाली पत्नी से पुत्री का संबंध होगा, या विनोद पिता होंगे, यहाँ पर विनोद इनके पिता हैं, और वह अपनी पुत्री की तरफ इशारा करते हुए ऐसे कह रहे हैं, अर्थात यहाँ पर उनकी पुत्री की तस्वीर लगी है और वो पुत्री इनकी तरफ कह रहे हैं कि वह मेरी पत्नी, वह मेरी पत्नी की पुत्री, वह मेरी पत्नी की एकमात्र माता, ये है सॉरी एकमात्र माता की एकमात्र पुत्री, स्वयं पत्नी और पत्नी की पुत्री है, अर्थात ये है। तो वो जो स्टेटमेंट कह रहे हैं स्वयं अपनी पुत्री के लिए कह रहे हैं, तो विनोद अपनी पुत्री के पिता हैं और पुत्री यहाँ पर जो तस्वीर वाली है वो है। तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि कैसे उसको करें, किसका संबंध किससे पूछ रहे हैं, यहाँ पर पूछ रहे हैं विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है, तो विनोद फोटो वाली लड़की के पिता हैं। ध्यान रखना फ्रेंड्स इसका आंसर पिता होगा, विनोद फोटो वाली लड़की के पिता हैं और फोटो वाली लड़की विनोद की पुत्री है, तो इस चीज का आप ध्यान देंगे। आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स इनको हम कैसे करें, ध्यान से इसको आप कीजिए कि इकलौती पूछ रही है, इकलौता पूछा है या कैसा पूछा है, इसमें आप ध्यान देंगे कि इकलौते वाले केस में क्या होगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड नेक्स्ट, तो देखिए फ्रेंड्स इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है टाइप टू में, तो टाइप टू में एक प्रश्न पूछा जाता है, इसको आप ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स टाइप टू में कैसा प्रश्न बनता है। यदि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी के पिता है, ए भागा बी का अर्थ है ए बी की माता है, तो विकल्प के आधार पर बताइए कि आर बेटी है पी की, इनमें से किस समीकरण से पता लगता है। तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे आप यहां पर, हल करने से पहले मैं आपको बता देता हूं ये प्रश्न क्यों बना है, किस तरीके से बना होता है। सबसे पहले इसमें आप एक चीज ध्यान देंगे कि इसमें जो साइन है, इसमें जो साइन है, बल्कि ए बी सी डी उसमें महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें साइन महत्वपूर्ण है, अर्थात मैं यहां पर कह सकता हूं कि जो प्लस का साइन है वो भाई को दिखा रहा है, जो माइनस का साइन है वो दिखा रहा है बहन को, आप पहले इस चीज को याद रखिए, जो मल्टीप्लाई का साइन है वो दिखा रहा है पिता को, और जो डिवाइड का साइन है वो दिखा रहा है फ्रेंड्स माता को, डिवाइड का साइन दिखा रहा है माता को, आपने पहले ये ध्यान रखना है ये साइन के इसमें क्या महत्व है, क्योंकि यहां पर देखिए यहां ए बी है और यहां पर पी क्यू आर में आंसर निकालना है, तो ए बी का कोई महत्व नहीं रह जाता है। अब आपने इसमें तुलना करनी है, और इस प्रश्न को करने के लिए, क्योंकि हमें इसका उत्तर देना है कि आर बेटी है पी की, किससे पता लगता है, तो इसका सीधा तात्पर्य यह हुआ कि हमें इसमें डायग्राम बनाना है, और डायग्राम इसमें आप ऑप्शन को लेकर बनाएंगे चारों ऑप्शन से, क्योंकि सर फ्रेंड्स ये प्रश्न अगर ऐसा आ गया तो इसके आधार पर दो या तीन प्रश्न बन सकते हैं या चार पांच बन सकते हैं, आपको डायग्राम ठीक से समझ में आना चाहिए और बनाना आना चाहिए। तो मैं आपको समझाता हूँ फ्रेंड्स, ये बैंक एग्जाम पूछा गया था एक बार, ये SSC में पूछा गया है और बैंक में पूछा गया है, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंक एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको कैसे करें देखिए। सबसे पहले आपने ऑप्शन एक पुट अप करना है, इसको लेना है आपने, यहाँ पर देखिए कंपेरिजन कीजिए आप, यदि ए गुणा बी, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी के पिता हैं, यदि ए इंटू बी का अर्थ है कि ए बी के पिता हैं, तो फ्रेंड्स पी इंटू क्यू का अर्थ होगा पी क्यू के पिता हैं,
अगर मैं यहाँ पर P और Q लिख देता, यहाँ पर मैं P इंटू क्यू लिख देता, तो फ्रेंड्स कोई फर्क इसमें नहीं पड़ता। तो देखिए फ्रेंड्स वो कैसे कर रहे हैं, मैं यहाँ पर करता, यहाँ पर ये करता हूँ कि P इंटू क्यू का अर्थ है P Q के पिता है, इसको आप कंपेरिजन मान लो, इसको आप कंपेरिजन में कर लो, कर रहा हूँ अगर यहाँ पर P होता और यहाँ पर Q होता, तो जिस प्रकार A इंटू बी का अर्थ A B के पिता है, तो इसी प्रकार P इंटू क्यू का अर्थ है P Q के पिता है, आप समझ गए होंगे। उसी प्रकार अन्य जगह आपने बैठाना है और दो दो करके लेना है। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको समझाता हूँ, जैसे एग्जांपल है ये पहला वाला मैं लेता हूँ, तो P इंटू क्यू इसका डायग्राम बनेगा, उसके बाद बनेगा Q इंटू आर का, उसके बाद बनेगा R प्लस एस का, अर्थात दो दो करके इसमें डायग्राम बनेंगे और इस आधार पर इसके आप हल बता सकते हैं बड़ी आसानी से। और देखिए फ्रेंड्स कैसे इसको करें, आइए समझते हैं। देखिए तो P इंटू क्यू का अर्थ है कि P Q के पिता है, तो फ्रेंड्स आपको मैंने बताया कि बड़े से ऊपर, तो यहां पर इसको कर लेते हैं, चलो सॉल्व इसको, इसको यहां पर मैं सॉल्व कर लेता हूं। P Q के पिता है, P जो है वो Q के पिता है, तो Q नीचे आएगा P ऊपर आएगा, ये पिता है, ठीक है फ्रेंड्स समझ में आ गया आपके। P इंटू क्यू मैंने बना दिया अकॉर्डिंग इसके, क्योंकि मल्टीप्लाई साइन पिता दिखा रहा है। उसके बाद Q इन क्यू प्लस आर, देखिए फ्रेंड्स यहां पर प्लस लगा है, Q प्लस आर, तो प्लस देखिए इसमें कहा है, ये है तो प्लस दिखा रहा है भाई का। जब A प्लस B का अर्थ है कि A B का भाई है, तो Q प्लस आर का अर्थ है कि Q R का भाई है, तो Q जो है ये भाई है, और ये किसका भाई है फ्रेंड्स, R का भाई है, अर्थात ये लड़का है, अर्थात ये पुत्र कह सकते हैं, P का पुत्र Q है, अर्थात ये दोनों भाई भाई भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, लेकिन इनके पिता ये है, ये कन्फर्म है, ठीक हो गया। इसके बाद आप देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर देखिए R प्लस एस बना लीजिए डायग्राम, क्योंकि हमने P इंटू क्यू बना दिया, Q प्लस आर बना दिया, और R प्लस एस, R प्लस एस देखिए फ्रेंड्स प्लस का अर्थ है भाई, जब A प्लस बी का अर्थ है A B का भाई है, तो R प्लस एस, यहां पर R प्लस एस रखिए, R प्लस एस का अर्थ है कि R S का भाई है, तो R जो है वो S का भाई है, तो जब ये हमने भाई बना दिया फ्रेंड्स, तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन तो फिट नहीं बैठता है, कैसे देखिए फ्रेंड्स कितना इंटरेस्टिंग है, आर बेटी है पी की, तो आर फ्रेंड्स बेटी नहीं है जबकि ये भाई बन चुका है, तो ये बेटी कैसे होगी, इसका अर्थ है कि ऑप्शन एक हमारा गलत है, हमें ऑप्शन दो, आप समझ गए, क्योंकि यहां पर आर को बेटी बनाना मुझे, तो यहां पर इसने भाई बोल दिया पहले ही, क्योंकि आर प्लस एस का अर्थ है कि आर बी का भाई, आर एस का भाई है, तो आर जब भाई बन गया तो ये बेटी नहीं बन सकती है, आर बेटी है पी की, हमने ये निकालना है, तो फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन यहां से कट हो जाता है। दो दो करके आप डायग्राम बनाएंगे तो आपके समझ में ये आएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए दूसरा कैसे निकालना है, दूसरा वाला ऑप्शन देखिए, तो दूसरा वाला देखिए फ्रेंड्स यहां पर करते हैं, तो दूसरा देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स दूसरा वाला एग्जांपल पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू, तो पी प्लस क्यू क्या है, ए प्लस बी का है, जब ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, उसी प्रकार पी प्लस क्यू, यहां पर आप इसको रख लीजिए, पी प्लस क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का भाई है, तो पी किसका भाई है, क्यू का भाई है, तो भाई भाई बराबर होता है, या भाई बहन हो सकता है, लेकिन ये भाई है, आप ध्यान देंगे कौन लड़का है कौन लड़की है, ये भाई है। Q माइनस आर, अब इन दोनों को लेना है, Q माइनस आर, Q माइनस आर माइनस साइन का है, ये है, जब A माइनस बी का अर्थ है कि A B की बहन है, तो Q माइनस आर का अर्थ है कि Q R की बहन है, Q बहन है किसकी, R की, तो फ्रेंड्स ये लड़की बन गई, और ये R लड़का है लड़की कुछ भी हो सकती है। उसके बाद R भागा S, ये दो लेंगे आप, R भागा S, R डिवाइड S, तो डिवाइड साइन देखिए कहां पर है, ये है, जब A भागा B, इसका कंपेरिजन आप इससे करेंगे, जब A भागा B का अर्थ है कि A B की माता है, तो उसी प्रकार R भागा S का अर्थ होगा R S की माता है, इसी प्रकार कंपेरिजन कीजिए आप, R S की माता है, तो R माता है किसकी, R माता है किसकी, S की, तो S यहां नीचे हो सकता है, S यहां नीचे हो गया। तो फ्रेंड्स आपको क्या लग रहा है, आर बेटी है पी की, ये निकालना है तो इसमें सही बैठ रहा है, देखिए कैसे गलत बैठ रहा है, क्योंकि आर बेटी है पी की, देखिए फ्रेंड्स पी की बेटी कहाँ है आर, ये तो पी की, तो यहां पर बहन है आर, देखिए फ्रेंड्स पी की बहन है आर यहां पर, जबकि एस की माता है ऊपर आर, तो आपस में जब तीनों भाई बहन होंगे तो ये बेटी कहां हो जाएगी इसकी, तो ये भी गलत बैठता है ये डायग्राम, तो ये भी गलत, ये भी गलत, एग्जाम में आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आप इसको जल्दी कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स तीसरा एग्जाम्पल कैसे कर रहे हैं, तीसरा वाला इसका एग्जाम्पल है, तीसरा इसको रखिए P इंटू क्यू, इंटू साइन देखिए ये भी नहीं है, ये है, तो A इंटू बी का अर्थ है A B के पिता हैं, तो P इंटू क्यू का अर्थ है कि P Q के पिता हैं, P पिता है किसके, Q के, ठीक हो गया, पिता है, बड़ा रिश्ता है ऊपर, Q लड़का लड़के भी हो सकता है, अभी हमने डिसाइड इसको नहीं किया है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स कैसे करें, P इंटू क्यू बन गया है, Q प्लस आर, Q प्लस आर, प्लस ये है,
ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो क्यू प्लस आर का अर्थ है क्यू आर का भाई है, क्यू जो है वो आर का भाई है, तो यहां पर भाई ये बन गया, अर्थात ये लड़का है, पी का लड़का हो जाएगा ये, आर यहां पर लड़का लड़की अभी कंफर्म नहीं हुआ। इसके बाद देखिए फ्रेंड, ये दोनों ले लिए, ये दोनों ले लिए, आर माइनस एस, माइनस साइन देखिए फ्रेंड्स ये है, जब ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, उसी प्रकार आर माइनस अर्थ का आर माइनस एस का अर्थ हुआ, क्योंकि आर माइनस एस है, इसका अर्थ हुआ कि आर एस की बहन है, आर जो बहन है फ्रेंड्स किसकी है, एस की, ये लड़की हो गई एस की बहन है। तो फ्रेंड्स देखिए, इससे हमें स्पष्ट हो रहा है कि यहां पर आर एस की बहन है, तो ये देखिए फ्रेंड्स ये क्यू आर और एस यहां पर भाई बहन हो रहे हैं, और यहां पर आर लड़की है, तो फ्रेंड देखिए आर बेटी है, आर बेटी है पी की, इससे हमें पता ये लग रहा है, आर क्यू बेटा है पी का, इससे हमें ये पता लग रहा है, एस का यहां पर पता नहीं कि एस लड़का है लड़की, लेकिन यहां पर इस ये पता लग रहा है कि क्यू और आर, यहां पर क्यू और आर क्या है फ्रेंड्स, क्यू प्लस आर का अर्थ हमने देखा था, देखिए फ्रेंड्स क्यू प्लस आर का अर्थ है, क्यू प्लस आर का अर्थ है कि क्यू आर का भाई है, उसी प्रकार क्यू आर का भाई है, क्यू आर का भाई है, तो फ्रेंड्स देखिए ये भाई बहन है और ये इनके पिता है, तो आर बेटी है पी की, आर बेटी है पी के, हाँ इससे पता लग रहा है डायग्राम से, तो आप समझ गए फ्रेंड्स कैसे इसको करें, तो समझ गए होंगे आप ये वाला एग्जांपल, ये वाला ऑप्शन सॉरी बिल्कुल सटीक बैठता है इस पे। आप देखिए यहां पर एस का पता नहीं है कि एस लड़का लड़की कह नहीं सकते, लेकिन यहां पर कंफर्म हो गया आर लड़की है और क्यू लड़का है और दोनों भाई बहन है और इनके पिता पी है, जो हमने निकालना था फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। तो इस आधार पर इसको हम करते हैं। इसके बाद इसमें दूसरा प्रश्न जो बनता है, देखिए फ्रेंड्स इसके बाद दूसरा प्रश्न बनता है, डायग्राम सेम रहेगा, डायग्राम सेम रहेगा और ऑप्शन ये मिट जाएंगे और यहां पर प्रश्न कुछ और पूछा रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें दूसरा प्रश्न कैसे करें, देखिए ध्यान से देखिए, बहुत सरल है ये। इसके बाद देखिए लिखा रहेगा यहां पर, तो देखिए फ्रेंड्स प्रश्न हमारे पास ये स्टेटमेंट यही रहेगा, स्टेटमेंट यही दिया रहेगा, लेकिन अंतर रहेगा केवल एक चीज का, प्रश्न बदल चुका है। यहां पर प्रश्न है पी दादा है एस का, एक तो हमें यह निकालना है और इसको हमें ऑप्शन मैंने चेंज कर दिए हैं, ऑप्शन हमें ये दिए हुए हैं, तो इनमें से किस समीकरण से यह पता लगता है कि पी दादा है एस का, उसी प्रकार कीजिए फ्रेंड्स सेम जैसे हमने पहले किया था। सबसे पहले ऑप्शन एक पुट अप कीजिए, अगर आपकी प्रैक्टिस में है, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप इसको कम से कम समय में कर सकते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं, आप इसमें घबराइएगा नहीं, एग्जाम में पूछा जाता है वैसे ही। तो सबसे पहले P प्लस क्यू, इसको आप देखिए P प्लस क्यू, तो P प्लस क्यू पहले करेंगे, फिर Q माइनस R करेंगे, फिर R भागा S का डायग्राम बनेगा, तो P प्लस क्यू, तो प्लस वाले से कंपैरिजन, जब A प्लस B, इससे आप कंपैरिजन कीजिए, इसका P प्लस क्यू कंपैरिजन कीजिए, तो जब A प्लस B का अर्थ है A B का भाई है, उसी प्रकार P प्लस क्यू का अर्थ है कि P Q का भाई है, P यहां पर Q का भाई है, P यहां पर Q का भाई है, तो हमने बना दिया Q माइनस R। अब माइनस देखिए, जब a माइनस बी का अर्थ है a b की बहन है, तो q माइनस r का अर्थ होगा कि q r की बहन है, q फ्रेंड्स r की बहन है, ये लड़की होगी, ठीक है, तीनों भाई बहन हो सकते हैं, तो यही बन चुका है, ये बन चुका है r भागा s, r भागा s भागा का ये है, जब a भागा b का अर्थ है a b की माता है, उसी प्रकार r भागा s का अर्थ है कि r s की माता है, r जो है वो s की माता है। तो फ्रेंड्स क्या इससे आपको लग रहा है कि P दादा है S का इस डायग्राम से, तो P यहां पर दादा हो सकता है, देखिए P दादा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स P दादा S के, तो P और S में संबंध आप देख सकते हैं, क्योंकि S की माता यहां पर R है और माता का भाई, तो यहां पर P और S में मामा का संबंध है, मामा भांजे का संबंध आप देखिए, क्योंकि इसकी माता का भाई है, तो जब P और S में मामा भांजे का संबंध है, तो फ्रेंड्स दादा और पोते का संबंध हमें निकालना है, तो ये गलत है, तो पहला ऑप्शन गलत है, आप इसको यहां से मिटा देंगे तुरंत, इस टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें, उसके बाद तुरंत दूसरा ऑप्शन उठाएंगे आप। देखिए पी इंटू क्यू, पी इंटू क्यू देखिए फ्रेंड्स यहां पर ये है, जब ए इंटू बी का अर्थ है ए बी के पिता है, तो पी इंटू क्यू का अर्थ है कि पी क्यू के पिता है, इसमें कोई दोहराए नहीं कि पी क्यू के पिता है, ऊपर रहेगा रिश्ता, उसी प्रकार फिर इंटू P इंटू क्यू में भी पिता वाला है, Q इंटू आर भी पिता, क्योंकि इंटू का अर्थ पिता से है, Q इंटू आर का अर्थ है कि Q R के पिता है, Q R के पिता है फ्रेंड्स, ये है R यहां पर और इसके पिता यहां पर ये है, तो देखिए फ्रेंड दो पीढ़ी ऊपर आ गया है, ये दो पीढ़ी ऊपर, इनमें दो पीढ़ी का अंतर है। तो फ्रेंड इसके बाद ये बन चुका है, ये बन चुका है,
आर प्लस एस, जब ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, उसी प्रकार आर प्लस एस का अर्थ है कि आर एस का भाई है, आर किसका भाई है, एस का भाई है। तो ये लड़का है, ये एस, लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है। तो पी दादा है एस का, हो सकता है ऐसा, पी दादा एस का हो सकता है बिल्कुल, यहां पर पी दादा है एस का। देखिए फ्रेंड्स, जब एस का दादा है तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि आर का भी ये दादा होगा, क्योंकि ये दोनों भाई भाई हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं। आप ध्यान देंगे दोनों के पिता क्यू हैं, और क्यू के पिता अर्थात पिता का पिता दादा होता है, आप समझ होंगे। तो इनमें इन दोनों के दादा हैं ये, तो आप समझ गए हमारा डायग्राम कैसे बन रहा है और किस डायग्राम के आधार पर हम कर रहे हैं और कैसे हम इसको बता रहे हैं। आपको उम्मीद है फ्रेंड्स ये आसान लगा होगा। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न आप करते रहिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको एग्जाम में उतनी आसानी होगी। तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, इस तरह के प्रश्न आप कीजिए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसकी पीडीएफ आपको बना के दे दूंगा। थैंक यू।